हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर गाइड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की बहुत ही अद्भुत प्लेसेस के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस टूरिस्ट प्लेसेस से भरा हुआ है, जहां हर वर्ष लाखों लोग घूमने आते हैं। यहाँ जाकर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप सचमुच में पृथ्वी पर हैं। ऐसे में आप इन नज़ारों को देखकर एक ब्यूटीफुल मेमोरी कैच कर सकते हैं। घूमने के शौकीन लोग हमेशा अच्छी जगहों की तलाश में रहते हैं दोस्तों, तो ऐसे में आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वंडरफुल प्लेसेस के बारे में बताने जा रही हूँ, जहाँ आपको एक न एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट है कैनो क्रिस्टल्स, जो कि कोलंबिया में है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ द कोलंबिया की कैनो क्रिस्टल्स नदी की, जो कि दुनिया भर में अपने रंगों के लिए बहुत ही फेमस है। इसे लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। सिर्टा डेला मार्कुरेना पर्वत के बीच करीब 100 किलोमीटर लंबी इस नदी में 5 रंगों के जलीय पौधे निकलते हैं। इनका रंग इतना अच्छा होता है कि ये फूल जैसे दिखते हैं। यहाँ सालों के एक विशेष समय में कई जगह तो खासकर लाल रंग के पौधे इतने अधिक संख्या में निकलते हैं कि यह नदी रेड कारपेट जैसी दिखती है। यहाँ 2009 तक आतंकवाद और पर्यावरण के नुकसान के खतरे के कारण यहाँ पर टूरिस्ट को नहीं आने दिया जाता था, लेकिन अब अगर आप इस नदी को देखना चाहते हैं तो आप नेशनल पार्क में जाकर देख सकते हैं। यहाँ सिर्टा डे ला मार्कुरेना नेशनल पार्क में जाकर आप इसका आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया का। मैं एक ऐसा गांव बताने जा रही हूँ जिसका नाम है बैकलका। इस गाँव के लोगों इशारों में ही बात करते हैं। इस भाषा को काटाकोला कहा जाता है। इस गांव के लोगों को डेव विलेज के नाम से जाना जाता है। इस गांव में बाहर के लोग बहुत ही कम ही आते हैं। यहां ज़्यादातर लोग बोलने और सुनने की समझ नहीं होती है, और ये समस्या यहां सामान्य से 15 गुना ज़्यादा है। यहां के बच्चे जन्म से ही सुनने और बोलने की बीमारी से अफेक्टेड होते हैं। यहाँ सिर्फ इशारों में ही बात की जाती है। तो है ना दोस्तों, एक यूनिक प्लेस के बारे में आपको पता चला होगा कि जहाँ ना बोला जाता है ना सुना जाता है, सिर्फ इशारों में बात की जाती है। नेक्स्ट है सोकोत्रा द्वीप, जो कि धरती में सबसे अजीबोगरीब जगहों में से एक है। ये यमन में अरब और हिंद महासागर के बीच एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ के पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु और चट्टाने, सब कुछ ऐसा है जो किसी भी जगह नहीं पाया जाता, सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है नरक का द्वार, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। डोर टू हेल या नरक का दरवाज़ा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेजे गांव में स्थित है। इस जगह पर धरती में बना एक बड़ा गड्ढा है जिस पर आग लगी रहती है। यह आग तकरीबन 50 साल से जल रही है। दुनिया में इसे नरक के दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इटर्नल फ्लेम फॉल्स, जो कि न्यूयॉर्क में है। यह झरना न्यूयॉर्क के चेस्टमेट रिज काउंट्री पार्क में स्थित है। यह एक ऐसा झरना है जहाँ पानी के नीचे आग की एक लो सालों से जल रही है। सभी लोग यह देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसे इटर्नल फ्लेम फॉल भी कहा जाता है। यहाँ के लोग इसे देवीय चमत्कार मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यह फ्लेम उस समय बुझेगी जब धरती पर डिजास्टर जैसी कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी। इस फ्लेम को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, आप भी जाइए और यहाँ इन प्लेसेस का आनंद उठाइए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कितनी अमेजिंग प्लेसेस है दुनिया में देखने के लिए, तो आप एक न एक बार यहाँ ज़रूर जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।